हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, समो रियलिटी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, डेवलपर, ऑर्गेनाइजर एंड सुपरवाइजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउस कम्प्लेक्सेस, शॉपिंग ऑफिसेस, हॉलीडे रिसॉर्ट्स एटसेट्रा। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 19.8 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 180 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 1.55% है कंपनी की ROCE एंड 1.53% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट सिक्स मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 34%, एंड कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी डिविडेंड आप लोगों को देती नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% प्लेज हो रखा है एंड फेस वैल्यू कंपनी की ₹10 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13.05 लाख रुपीज की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7.71 लाख रुपीज की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.59 लाख रुपीज की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो नेगेटिव में थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है ड्यू टू लेस एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी इन सितंबर 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू जून 2022। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की EPS की ग्रोथ है वो दोनों में ही ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने तीन जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। सो द फर्स्ट वन इज ईयर ऑन ईयर बेसिस की EPS ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अर्निंग्स ग्रोथ मतलब रेवेन्यू ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की EPS ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें,
फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है, एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास 1.6 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 0.63 करोड़ की हो चुकी है। मतलब अभी कंपनी के पास नेगेटिव 63 लाख रुपीज की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनलाइक बैलेंस शीट वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग करी है एंड पब्लिक से माल उठाया गया है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, समोर रियलिटी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस इस कंपनी को अभी प्रॉपरली एक साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए हुए, एंड अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो ये कंपनी अभी 38 रुपीज की प्राइस रेंज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। एंड इस कंपनी में लास्ट ट्रेड हुआ था फ्राइडे के दिन, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड फ्राइडे के दिन इस कंपनी ने अपर सर्किट में ही ओपनिंग करी थी एंड अपर सर्किट में ही क्लोजिंग करी थी। कोई भी ट्रेड इस कंपनी में नहीं लिया गया था, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी में बाइंग हुई थी फ्राइडे के दिन पे। एंड सॉरी, मैंने जस्ट अभी बोला कि कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया था, ट्रेड लिया गया था लेकिन कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई थी। मतलब बाइंग एंड बाइंग तो हो रहा था लेकिन सेलिंग नहीं हुई थी, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हुई थी फ्राइडे के दिन। अपर सर्किट में ही कंपनी ने गैप अप ओपनिंग किया था एंड अपर सर्किट में ही कंपनी ने क्लोजिंग भी किया था फ्राइडे के दिन। तो सिंपली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में भरोसा है कंपनी के ऊपर तो सिंपली स्टॉक को कूल डाउन हो जाने तो देखो अपर सर्किट में आप लोग बाय नहीं कर पाओगे, ये आप लोगों को भी पता है। तो सिंपली प्रॉफिट बुकिंग होने दो। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जहां से ये कंपनी सपोर्ट लेगी या तो फिर जहां पे जाके इस कंपनी में फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग, मतलब ऐसा कुछ ट्रेडिंग चालू होगी, उसके बाद ही इस कंपनी में ट्रेड प्लान करना, एंट्री प्लान करना फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।